सभी प्रशिक्षकों को नमस्कार आपका स्वागत है मैं डॉक्टर पंकज कुमार आप यह जानते होंगे कि शिक्षा में दो अवयव होते हैं एक शिक्षा के भौतिक अवयव होते हैं और दूसरे मानव संसाधन अवयव होते हैं और जो मानव संसाधन का अवयव है उसकी सबसे मजबूत करी और सबसे महत्वपूर्ण करी होता है शिक्षक एक शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है पूरे विद्यालय में पूरे बच्चे के तैयारी में यदि एक हम प्रारंभिक शिक्षा में जब हम सार्वभौमिकरण की बात करते हैं तो हमें पहले ये समझना होगा हम जब उन शिक्षकों की तैयारी की बात करते हैं तो उसे हमें समझना होगा कि प्रारंभिक शिक्षा क्या है प्रारंभिक शिक्षक के शिक्षक कैसे तैयार किए जा सकते हैं तो आज हमारे बीच प्रारंभिक शिक्षा पर की सिक, में शिक्षकों की तैयारी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास उपलब्ध हैं डॉक्टर सोमू सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि और ये प्रशिक्षु भी जानना चाहेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा क्या है ये प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्राथमिक शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है या क्या एक है तो ये एक अक्सर ये देखने को मिलता है कि प्रशिक्षुओं के बीच ये द्वंद सा होता है कि प्राथमिक शिक्षा क्या है क्या है प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा एक दूसरे से भिन्न संप्रति है तो इस पर आप थोड़ा पहले प्रकाश डालें कि ये प्रारंभिक शिक्षा क्या है देखिए आज की चर्चा सत्र का जो मुख्य केंद्र बिंदु है प्राथमिक अर्थात तो प्रारंभिक शिक्षकों की तैयारी प्रारंभिक शिक्षकों की तैयारी से आ, को समझने से पहले सबसे पहले यह समझें कि प्रारंभिक शिक्षा क्या है प्रारंभिक शिक्षा की जो संरचना आज प्रचलित है ये आज इस रूप में जो है वो किस तरीके से आई इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में भारतीय संविधान लागू किया गया संविधान की धारा 45 में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत घोषित किया गया और इस धारा में उल्लिखित है कि राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए जब तक वह 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा तो जो आज आपको देखने को मिलती है टेन प्लस टू प्लस थ्री शिक्षा संरचना ये हमारे सामने कोठारी कमीशन उन्नीस में आया उसने ये प्रस्ताव दिया कि पूरे देश में एक समान शिक्षा संरचना हो और इसको उन्नीस में भारतीय सरकार ने शिक्षा नीति के माध्यम से इसको जारी किया और ये शिक्षा की संरचना पूरे देश में आज भी लागू है जिसमें दस वर्ष की सामान्य शिक्षा है और उस दस वर्ष की सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा और दो वर्ष की उसमें हाई स्कूल स्तर की शिक्षा जोड़ी गई तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कक्षा एक से कक्षा आठ तक की आठ वर्षीय शिक्षा है जिसमें पाँच वर्ष का प्राथमिक स्तर और तीन वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर है तो ये जो संरचना है ये कोठारी आयोग ने जो दस वर्ष की सामान्य शिक्षा है उसको बड़े स्पष्ट रूप से अपनी अनुशंसाओं में उल्लिखित किया था उन्होंने कहा था कि पूर्व विद्यालयी शिक्षा एक से तीन वर्ष की हो सकती है निम्न प्राथमिक शिक्षा चार या पाँच वर्ष की हो सकती है उच्च प्राथमिक शिक्षा तीन वर्ष की हो सकती है निम्न माध्यमिक शिक्षा दो या तीन वर्ष की हो सकती है और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा दो या तीन वर्ष की हो सकती है ये वो दौर था जब राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का कोई एक ढांचा प्रचलित नहीं था तो एक अपनी तरह का ये एक चीज़ों को सिस्टमेटाइज करने का के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास था उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई और उसमें उन्नीस में कुछ संशोधन किए गए इन दोनों ही नीतियों में टेन प्लस टू संरचना को ही स्वीकार किया गया और उन्नीस में केवल एक संशोधन किया गया परिमार्जन किया गया कि जो प्लस टू था जी हाँ। जो प्लस टू था वो पहले कॉलेज में और स्कूल में यानी कि विश्वविद्यालय में या स्कूल में या दोनों में हो सकता था बानवे के संशोधन के बाद इन्होंने कहा कि जो प्लस टू है वो केवल विद्यालयों में रहेगा ये बात इन्होंने संशोधित की और उसके बाद से टेन प्लस टू का टेन प्लस टू प्लस थ्री का जो ढांचा है आज हमारे बीच प्रचलन में है और उसमें पाँच वर्ष का प्राथमिक स्तर तीन वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर और दो वर्ष का हाई स्कूल स्पष्ट रूप से आप देखेंगे देश के अधिकांश राज्यों में इस तरह का ढांचा आपको देखने को मिलेगा नहीं तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत ही प्राथमिक शिक्षा होती है अब उसी बात पर मैं आने जी, वाला जी, जी, था जी, जी, जी। कि प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभिक अंग है पहला अंग है अनुभाग है आठ वर्ष की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें जो पहले पाँच वर्ष हैं जी उस शिक्षा को इन्होंने प्राथमिक शिक्षा कहा है और जो अगले तीन वर्ष हैं वो जो है उच्च प्राथमिक स्तर है उसको इन्होंने उस रूप में कहा गया और इसका जो संदर्भ बिंदु है जी। वो भी स्पष्ट कर दूं मैं भारतीय संविधान में जिन आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है उन आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा ही बेसिकली प्रारंभिक शिक्षा है अच्छा अर्थात जो शिक्षा छः वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के बच्चे की चौदह वर्ष की आयु तक चलती है वही प्रारंभिक शिक्षा है और उसमें जो निम्न प्राथमिक शिक्षा है वो छः से ग्यारह वर्ष की आयु तक सामान्यतः चलती है और उसके बाद जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है वो सामान्य सामान्यतः ग्यारह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होती है तो इससे स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा से थोड़ी सी उस सम्प्रत्याय को समझने में समझना होगा कि एक से आठ तक की जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा है और एक से पाँच तक प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है एक और इसमें भ्रम कभी कभार देखने को मिलता है कि औपचारिक कि शिक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है कभी कभी माना जाता है कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा वो औपचारिक शिक्षा का अंग है या नहीं तो इसमें बड़ा स्पष्ट है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, शिक्षा के लिए की तयारी तयारी है।, है। जी. इसका मतलब यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक शिक्षा या कहें स्कूली शिक्षा का जो पहला औपचारिक स्तर है वो प्राथमिक स्तर है अच्छा हाँ कक्षा एक से पाँच तक की जो शिक्षा है आपने इसे पूरी अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से भिन्न है आपने आयु वर्ग के आधार पर इसकी विवेचना कर दी और कक्षा के आधार पर भी इसकी विवेचना कर दी ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है कि प्रारंभिक शिक्षा क्या है यदि प्रारंभिक शिक्षा की बात तो अब हम समझ चुके हैं जो हमारा मूल एक जिस पे हम बात करना चाह रहे थे तैयारी शिक्षकों की तो शिक्षकों की तैयारी से भी पहले यह भी समझना होगा कि भाई प्राथमिक शिक्षक कौन हो गए हाँ। प्राथमिक शिक्षक या प्रारंभिक शिक्षक इस तरह के टर्म प्रचलित हैं से पूछा जाए कि आप क्या करते हैं हम प्राइमरी टीचर हैं आपने अक्सर सुना कोई एलिमेंट्री टीचर कहते हो जल्दी सुनने में आपको नहीं, आता नहीं मिलता प्रचलन में इस तरह का शब्द नहीं है इसीलिए हमने अपने शिक्षार्थियों के लिए यह बिंदु जोड़ा कि पहले यह समझा जाए कि प्रारंभिक शिक्षक कौन है तो निश्चित रूप से बड़ा सामान्य सा उत्तर है इसका कि प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षण कार्य से जुड़े व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षक कहा जाता है अर्थात जो प्राथमिक विद्यालय में और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं उन सभी व्यक्तियों को प्रारंभिक शिक्षक की श्रेणी में रखा जा सकता है अच्छा एक से लेकर पांच तक के जो प्राथमिक विद्यालय हैं या और छे, छे से लेकर ले ले तक, तक, तक के जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है इनमें जो भी व्यक्ति शिक्षण कार्य कर रहा है वो प्रारंभिक शिक्षक कहा जाता है और ये कक्षा एक से लेकर अधिकतम कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं तो अगर प्राथमिक शिक्षक तो हमें समझ में आ गए प्रारंभिक शिक्षक भी समझ में आ गए ये प्रारंभिक शिक्षक जो हैं उनकी तैयारी एक महत्वपूर्ण विषय था जिस पे हम लोग बात करना प्रारंभ किए थे तो इन प्रारंभिक शिक्षकों की तैयारी हेतु कौन कौन से पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं कैसे ये तैयारी हो सकती है उनकी इस पर अपने बिंदु रखना चाहेंगे जी प्रारंभिक शिक्षक बनने हेतु तो जो आवश्यक शैक्षिक अर्हता है उसके अंतर्गत ग्रेजुएशन स्नातक और अथवा बीएड प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक डिग्री के साथ साथ प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ता अच्छा। है ये तो हमने रोजगार की दृष्टि से जो औपचारिक अर्हताएं हैं यहाँ मैं थोड़ा एक और चीज की पात्रता परीक्षा जो लोग कहते हैं कि उसे पास करना अनिवार्य है तो ये पहले मैं नहीं सुनता था कि भाई पात्रता परीक्षाएं हो सकती हैं तो इस पर कोई कोई ये, खास ये बदलाव ये क्या है ये बदलाव दरअसल प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए उसको सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव आया और केंद्र सरकार ने उसको संसद के माध्यम से अधिनियमित किया और ये अब आप जानते हैं एनसीटी ने भी इसको अपने नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स में इसको क्योंकि आ, लिखित कर दिया है शिक्षा के अधिकार अधिनियम हाँ। के तहत वो एक अकादमिक प्राधिकार हाँ, है और उससे उसने कर दिया है तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत जी जी आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है है आवश्यक उसी के पश्चात आप प्रारंभिक शिक्षक बन सकते हैं अच्छा तो ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो उनके पाठ्यक्रम क्या होते होंगे हाँ उसी पर हम आ, आने वाले थे आ, उससे बीच में प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के बहुत से नाम प्रचलित अच्छा नाम जी जी हाँ, जिसमें आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में बीटीसी और भी जगहों पर जैसे हाँ, जेबीटी डिप्लोमा इन एजुकेशन बिल्कुल इसको उन्नीस इसको वर्ष 2014 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इन अलग अलग नामों के स्थान पर इस कार्यक्रम का नाम एक रख दिया डी एल एड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जी 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 हालांकि केवल डी वाले ही प्रारंभिक शिक्षक नहीं बनते हैं जी, जी। कुछ राज्यों में बी एड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बी के विद्यार्थियों को भी उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाती है प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु तो जो कार्यक्रम हैं उनमें प्रमुख रूप से डी आपका प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम जो दो वर्ष का है फेस टू फेस मोड में प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम भी है बी जो चार वर्षीय है और बी कार्यक्रम जो पहले एक वर्ष का था फेस टू फेस मोड में अब वो दो वर्षीय कर दिया गया है ये प्रमुख जो है कार्यक्रम हैं जिनके पश्चात जी। आ, व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षक बन सकता है अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी बात आपने कही कि प्रारंभिक शिक्षकों की तैयारी के महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं बिल्कुल तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है करिकुलम पाठ्यक्रम अच्छा कि प्रारंभिक शिक्षक तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम में किन किन बातों का समावेश किया जाता है जी जी इसको स्पष्ट इस समझना आवश्यक है पाठ्यक्रम के जो मुख्य जो दो पक्ष हैं एक सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा उसका क्रियात्मक पक्ष सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत जो विषय वस्तु रखी जाती है उसमें शिक्षा के सामाजिक संदर्भ शिक्षा के उद्देश्य संप्रेषण के जो कौशल हैं उनका अध्ययन उसके अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था की जो वर्तमान शैक्षिक संरचना है उसकी जानकारी भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक जो विकास यात्रा है वो बताई जाती है किस तरह आयोग बने समितियाँ आईं धीरे धीरे आज आ, हमारी शिक्षा व्यवस्था एक ढांचे के रूप में हमारे सामने है अभी भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विमर्श के दौर में है प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं चुनौतियां क्या हैं और मुद्दे क्या हैं ये भी प्रारंभिक शिक्षा की विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ाया जाता है अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान अधिगम की प्रक्रिया इससे संबंधित सैद्धांतिक जानकारी दी जाती है बाल्यावस्था का अध्ययन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रारंभिक शिक्षक कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक छः से चौदह वर्ष के आयु के बच्चों को तैयार करता है उनका उन, उन उनको शिक्षित करने का प्रयास करता है तो उनका मनोविज्ञान समझना उस अवस्था की विकासात्मक विशेषताएं समझना उसमें किशोर भी आते हैं किशोरावस्था की समस्याएं हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उस उसका सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है विषयों को पढ़ाए जाने हेतु आवश्यक शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान पैडागॉजी जो पैडागॉजिकल आस्पेक्ट है कैसे पढ़ाया जाए कक्षा एक से एक से आठ तक के बच्चों को किन शिक्षण विधियों से पढ़ाया जाए कि कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीचिंग एड्स बनाए जाएं जिससे कि उनकी टीचिंग लर्निंग बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव हो सके इसकी भी चर्चा रहती है दो में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नए मानक आए उसमें यह सुझाया गया है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत आईसीटी सूचना एवं प्रौद्योगिकी जेंडर स्टडीज़ योगा एजुकेशन और डिसेबिलिटी को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिए यानी कि ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो प्रारंभिक शिक्षक की तैयारी है उसकी तैयारी में हम इन मुद्दों की सैद्धांतिक जानकारी भी उसको देंगे।, देंगे क्योंकि उसको भी आप दिव्यांग बच्चों को एजुकेट करना है समावेशी कक्षा निर्मित करनी है तो उसको सैद्धांतिक जानकारी होना आवश्यक है। आवश्यकता की समझ हो रहे बिल्कुल बहुत आवश्यक है पाठ्यक्रम का जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है क्रियात्मक या जिसे हम प्रयोगात्मक भी कह सकते हैं तो प्रारंभिक शिक्षकों की तैयारी के दौरान जब इनका प्रशिक्षण चल रहा होता है इनको शिल्प एवं ललित कलाएं, कार्यानुभव सृजनात्मक नाटक राष्ट्रीय सेवा एवं सामुदायिक सेवा आत्मविकास बच्चों के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम स्कूल स्वास्थ्य और शिक्षा में व्यावसायिक कौशल और अन्य क्षमताओं के विकास संबंधी कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं कोशिश ये की जाती है कि हमारा जो प्राथमिक शिक्षक या जिसे कहें हम प्रारंभिक शिक्षक जो तैयार होने वाला है वो अपने समुदाय की समस्याओं से भी परिचित हो अपने समुदाय से भी कनेक्ट रहे और जिससे कि जब विद्यालय में पहुँचे तो जो उसकी कक्षा का जो कक्षा का डाइवर्सिफाइड रूप है जिसको कहते हैं कि विविध रूप है बिल्कुल उसको समझे उस पृष्ठभूमि को समझे और उसके हिसाब से अपनी शिक्षण अधिगम क्रिया को आयोजित करे तो क्रियात्मक अवसर प्रदान किए जाते हैं इनको प्रशिक्षण के दौरान गाँव में ले ले जाया जाता है और कई संस्थाओं ने शैक्षिक भ्रमण की भी व्यवस्था की है ऐसी बस्तियों में ऐसे गांव में ले जाने का प्रोविज़न है तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है इंटर्नशिप इंटर्नशिप को अभी इधर 2014 के बाद बहुत प्रमुखता से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इंट्रोड्यूस किया है इसको शुरू किया है इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट मूल रूप से इसलिए लाया गया कि जो पहले अवधि कम थी उस कम अवधि में जो शिक्षण अभ्यास था जो प्रैक्टिस टीचिंग थी उसमें वो केवल टीचिंग एस्पेक्ट में जाकर के स्कूल में कार्य करता था जी। जो स्कूल के दूसरे अनुभव हैं उनसे वंचित रह जाता था और जो प्रारंभिक शिक्षक की जो तैयारी है जिसे हम कहें कि समग्र तैयारी उसके लिए आवश्यक है कि स्कूल में वो न केवल शिक्षण के कौशल सीखे बल्कि स्कूल के जो अन्य कार्य हैं, हैं गति अन्य गतिविधियाँ हैं जिसमें पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियाँ हैं पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ हैं प्रशासनिक अनुभव हैं वो यह भी देखे कि मिड डे मील भोजन कैसे बन रहा है बिल्कुल इसको बनाने के पीछे क्या व्यवस्था करनी पड़ती है समाज से संपर्क भी है समाज से संपर्क भी है पीटीए पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन किस तरीके से कार्य करता बिल्खुल, बिल्खुल। कैसे, कैसे होती है बैठकें कैसे काम कर रही जी, है? कैसे क्या, का, 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 क्या है? उनकी क्या है? होती हैं ये सब भी मुद्दे वो जाने और एक प्रधानाध्यापक के रूप में कितने तरह के रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं दस्तावेजों का को बनाना चीजों को रिकॉर्ड करना पत्राचार करना अपने उच्चाधिकारियों को इन सब चीज़ों का भी व्यवहारिक ज्ञान हमारा प्रारंभिक शिक्षक सीखे इसलिए उसको इंटर्नशिप के दौरान स्कूल में फुल टाइम रखा जाता है जिससे कि समस्त विद्यालयी अनुभव प्राप्त कर सके उसको विद्यालय के लिए रिलीज कर दिया जाता है और विद्यालय में एक पूर्णकालिक शिक्षक की तरह कार्य करता है यहाँ तक कि कई संस्थाओं ने इस तरह के प्रावधान कर दिए हैं कि अगर आपको छुट्टी पर जाना है आपका इंटर्नशिप चल रहा है तो जो एक शिक्षक को जितनी छुट्टियाँ अनुमन्य हैं उतनी ही छुट्टियाँ आप लेकर के और उसी तय प्रक्रिया के माध्यम से जाएंगे आपका जो प्रधानाचार्य है उसको आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे यह भी सीखने का एक माध्यम है बिल्कुल बिल्कुल औपचारिक तरीका आप सीखें तो इंटर्नशिप का जो कॉन्सेप्ट है इसको मतलब कोई भी जब इंटर्नशिप में जा रहा है कोई शिक्षक जो भावी शिक्षक या शिक्षिका जा रही है तो वो उस चीज़ को समझ सकेंगी या समझ सकेगा और किस तरह से वो कर ये सभी आपने अभी जो बताया ये सब करिकुलम के भाग हैं तो दूसरे और भी कोई पक्ष होते होंगे इसमें निश्चित रूप से थोड़ा सा बताना चाहेंगे अवधि के बारे में अच्छा ये कार्यक्रम की अवधि ना बिल्कुल कार्यक्रम की अवधि बिल्कुल फेस टू फेस मोड में जो हमारे प्रारंभिक शिक्षा की तैयारी है जी उसमें जो डिप्लोमा कार्यक्रम है प्रारंभिक शिक्षा में वो दो वर्ष का है प्रारंभिक शिक्षा में जो स्नातक कार्यक्रम है बी वो चार वर्ष का है और बी की जो कार्यक्रम की अवधि है वो दो वर्ष की है और इस अवधि का विस्तार किया गया मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रमों में थोड़ा सा अवधि का विस्तार कर दिया गया है अब इसका जो एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षण विधियाँ कि प्रारंभिक शिक्षक की तैयारी में किन किन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल शिक्षक प्रशिक्षक द्वारा किया जाता है तो प्रमुख रूप से हम सभी ने सुना है आ, व्याख्यान विधि के बारे में व्याख्यान विधि का बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है एक नई अप्रोच कोलेबोरेटिव लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग की बहुत तेज़ी से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आई है और इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है परिचर्चा विधि का भी इस्तेमाल किया जा रहा है परिचर्चा विधि में संवाद के माध्यम से डिस्कशन के माध्यम से हम प्रारंभिक शिक्षकों को अवसर देते हैं कि अपनी बात रखें प्रस्तुतियां तैयार करें प्रस्तुतियां रखने से उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है प्रोजेक्ट मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोजेक्ट मेथड में उनको कहा जाता है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपने परिवेश की या किसी भी समस्या का आप चयन करिए चिन्हित करिए और उसके हल के लिए भी एक आप प्रस्ताव प्रस्तुत करिए और बैठ कर के संसाधनों पर चर्चा होगी और उसके बाद आप समस्या का समाधान खोजने के लिए या तो क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर अपने समुदाय में कहीं भी उसका उसको हल करने का प्रयास कर सकते हैं तो जो विधियां हैं उनमें कोशिश की जाती है कि उसको समस्त सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया जाए और उसके जो व्यक्तित्व का विकास है क्योंकि शिक्षक का जो मूल कार्य है उसे प्रस्तुतिकरण को मजबूत करना है संप्रेषण कौशल को मजबूत करना है तो उन विधियों का फोकस यही रहता है कि उसके अंदर इन सारे पक्षों का विकास किया जाए जिससे कि वो अपने विद्यार्थियों को वो अपेक्षित ज्ञान कौशल और मूल्य दे पाए जब वो शिक्षक बनेगा इसमें मूल्यांकन पद्धति एवं उपकरण की जहाँ तक बात है तो प्रशिक्षक मूल्यांकन की जो पद्धति है उसमें भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की पद्धति अपनाई जाती है फॉर्मेटिव अप्रोच को अपनाया जाता है यानी कि हमारे जो कार्यक्रम हैं डी एल एड कहें या हम बी एड बी एड का हैं या बी एल एड का हैं अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षण संस्थाओं में अब सेमेस्टर प्रणाली आ चुकी है।, है आप इस बात से सहमत होंगे और सत्र परीक्षाएं होती हैं मिड सेम हैं इकाई परीक्षण होते हैं और इन परीक्षाओं परिक्षा, परीक्षाओं के बाद विद्यार्थियों को फीडबैक भी दिए जाने की व्यवस्था है मतलब प्रारंभिक शिक्षक को प्रशिक्षण के दौरान अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने का मौका मिलता है ऐसी मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाती है ग्रेडिंग की व्यवस्था की गई है अंकों के द्वारा ग्रेड या डायरेक्ट ग्रेडिंग की व्यवस्था भी है विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को और जो को स्कॉलिस्टिक एरिया है पाठ सहगामी उनके भी योग्यताओं को ग्रेडिंग के माध्यम से उनके ग्रेड सीट पर अंकित किए जाने की परंपरा शुरू हो चुकी है अब जो इसका बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है शिक्षक प्रशिक्षकों की भूमिका अच्छा क्योंकि प्रारंभिक शिक्षक किस तरह का तैयार होगा उसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम है बिल्कुल शिक्षण विधियां हैं लेकिन इन सब चीज़ों को ऑपरेशनलाइज करने वाला इसको फंक्शनल करने वाला जो है वो शिक्षक प्रशिक्षक उसकी क्या भूमिका है तो उसकी भूमिका के संबंध में अपने शिक्षार्थियों को ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि पहले तो उसको अपने विषय का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे कि वो आपको आवश्यक सैद्धांतिक ज्ञान जिनकी चर्चा हमने पिछले प्रारंभिक सत्र में की कि सैद्धांतिक जो ज्ञान है वो उसको भी होना चाहिए तभी आप तक वो पहुंचा पाएगा शिक्षक प्रशिक्षक भावी शिक्षकों के शारीरिक सामाजिक सामवेगिक एवं सौंदर्य बोध विकास को बढ़ावा देने की जो भूमिका है उसको अदा कर सके ऐसा शिक्षक प्रशिक्षक होना चाहिए शैक्षिक नीतियाँ हैं शैक्षिक नीतियाँ क्या हैं शैक्षिक नीतियों की आलोचना समालोचना उसका विश्लेषण करने में सक्षम हो ऐसा शिक्षक प्रशिक्षक होना चाहिए और वो अपने प्रारंभिक शिक्षकों को ये सिखाए कि शैक्षिक नीतियों का किस तरीके से विश्लेषण किया जाता है बिल्कुल ये भी भूमिका उसकी है इंटर्नशिप के दौरान उनकी शिक्षण कौशलों को उनकी टीचिंग को सुपरवाइज करने का भी उसके पास आ, कौशल होना चाहिए पर्याप्त जानकारी होना चाहिए कि कितने आ, कौशल हैं और उनको हम कैसे सुपरवाइज़ करेंगे कैसे इफेक्टिवली हम उनको फीडबैक दे करके उनमें उन कौशलों को विकसित करेंगे ये भी शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका है शिक्षक प्रशिक्षक पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्रभावशाली तरीके से आयोजित करने की योग्यता भी रखता हूँ बिल्कुल वो अपने प्रारंभिक शिक्षकों के सामने उन शिक्षकों के सामने ये दिखाए कि कैसे कोई को करिकुलर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है कैसे मैनेज की जाती है जिससे कि हमारे प्रारंभिक शिक्षक सीख सकें जब स्कूल में वो जाएंगे और ये उनको कराना पड़ेगा मान लो स्कूल में पहुंचने के बाद उनसे कहा गया कि आप एक क्विज करवाइए या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराइए तीन विद्यालयों के बीच में लेकर के तो उसके पास अनुभव है उसने सीखा है अपने टीचर एजुकेटर के माध्यम से तो ये भी उसको एक्सपोजर यहाँ प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारे टीचर एजुकेटर की है एक और महत्वपूर्ण पक्ष है सूक्ष्म शिक्षण तकनीक को बेहतर तरीके से प्रयोग करने संबंधी भूमिका इसमें ये सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी हमारे प्रारंभिक शिक्षकों में शिक्षण कौशल विकसित करने की तकनीकी है इसके माध्यम से हम प्रारंभिक शिक्षक को विभिन्न प्रकार के कौशलों से युक्त करते हैं और ये कार्य प्रशिक्षण के दौरान बखूबी करने के लिए हमारा शिक्षक प्रशिक्षक प्रयास करता है और वो सभी आवश्यक कौशल और ट्रेनिंग के दौरान डेवलप करता है हमारे प्रारंभिक शिक्षकों में और इसके अलावा एक दो तथ्य और मैं रखना चाहूँगा जी कि वो यह भी बताना सिखाए प्रारंभिक शिक्षकों को कि कैसे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री निर्मित की जाती है जी जी बिल्कुल उसकी महत्ता क्या है बिल्कुल कहाँ प्रयोग होना कहाँ प्रयोग होना चाहिए कैसे हम रियल ऑब्जेक्ट्स को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लाएं कैसे हम मॉडल बनाएं कैसे हम चार्ट पेपर बनाएं इन सारी चीज़ों के माध्यम से किस प्रकार हम शिक्षित करें ये जब ट्रेनिंग हमारे प्रारंभिक शिक्षक को उस अवधि में प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से जब वो अपने प्रारंभिक विद्यालय पर पहुँचेगा तो इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा तो हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है टीचर एजुकेटर की और जितने भी हमने आपसे चर्चा की कि उसकी तैयारी के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उन तत्वों में सबसे जरूरी पक्ष है पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां, इसके पश्चात हमने चर्चा की शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका बिल्कुल और इसके पहले हमने कहा कि उसका जो रोल है बिल्कुल आपने पूरी बारीकी से यह रखा कि प्रारंभिक शिक्षा क्या है प्रारंभिक शिक्षक कौन है किस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षक की तैयारी हो सकती है उस तैयारी के क्रम में भी आपने शिक्षण विधियों की चर्चा की शिक्षकों के लिए जो पाठ्यचर्याएँ बनाई गई हैं उन पर चर्चा की और जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं उनकी भूमिका को भी इंगित किया इन सभी एक गम अच्छी अच्छे विषयों को आपने प्रशिक्षुओं के बीच समझ बनाई है आप सभी शिक्षु भी इस एक अच्छे मुद्दे पर बातचीत से एक अच्छी समझ बना पाए होंगे आपने इसे गंभीरता से सुना समझा इसके लिए आप सभी प्रशिक्षकों का भी धन्यवाद और इसके साथ आपका भी डॉक्टर साहब धन्यवाद